नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। इस समय मैं मौजूद हूं गांधीनगर में, जहां पर कुछ शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ एकेडमिक अरेंजमेंट टीचर्स है अपनी डिमांड्स को लेकर यहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में टीचर्स जो है उन्होंने गांधीनगर जो सड़क है उसे जाम किया हुआ। पिछले लंबे समय से इनकी ये डिमांड्स थी कि इन्हें जो है इनकी डिमांड्स को पूरा किया जाए। काफ़ी समय से इनकी डिमांड थी, लेकिन अभी तक इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते आज विरोध प्रदर्शन जो है वो टीचरों का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और तस्वीरों में आप साफ तौर से यहाँ पे देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पहुँची है और जो ट्रैफिक की व्यवस्था जो है उसे सुचारू रूप से चलाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन बात करें टीचर्स की, तो टीचर्स अपना विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। उनकी ये डिमांड्स है कि इक्वल पे इक्वल वर्क जो है वो इन्हें मिलना चाहिए, जबकि यूटी जम्मू कश्मीर को बना दिया गया। उसके बाद इनकी ये डिमांड्स है कि जितना इक्वल पे इक्वल वर्क की तरह इन्हें भी जो है वो इनको पेमेंट की जाए, लेकिन अभी तक इनकी डिमांड को पूरा नहीं किया गया है। उसके चलते आज विरोध प्रदर्शन इन टीचरों का देखने को मिला है। कुछ टीचर्स हमसे भी बात करेंगे। सर, क्या डिमांड है, क्यों आप विरोध प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं? सर, एक्चुअली जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे हमें इन्होंने हायर किया हुआ था एकेडमिक अरेंजमेंट के नाम पे, 30 जून को इन्होंने एक ऑर्डर निकाला था, जिस ऑर्डर के तहत हमने अप्लाई किया हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि इन बिटवीन जब हमारी मेरिट लिस्ट निकल गई, तो इन बिटवीन सडनली इन्होंने एक नई नोटिफिकेशन निकाल दी, उन्हीं टर्म्स पे उन्हीं टर्म को मॉडिफाइड कर दिया और उन्हीं टर्म हमें कहने लग गए कि आप अब नीड बेस्ड हैं, जबकि ऐसा पहले नहीं होता था। इसमें क्या था कि एकेडमिक अरेंजमेंट में मंथली बेसिस पे हमें सैलरी मिलती थी और हम उसी हिसाब से काम करते थे, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि आपका पर लेक्चर हम कर देंगे, पर लेक्चर के बेसिस पे आपको हायर करेंगे और कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस के मींस ऑल ऑफ द सडन जिन टर्म्स पे इन्होंने हमें हायर किया हुआ था वो टर्म्स इन्होंने वायोलेट की। हमारे सेक्रेटरी साहब ने एक नोटिफिकेशन इन बिटवीन निकाली और उस हमें कहने लगे कि आपको उन्हीं टर्म्स पे, एक जैसे डिक्टेटरशिप काम करती है उस हिसाब से इन्होंने काम किया और उन्हीं टर्म्स पे हमें हैरेस किया और उसी का नतीजा। और उसके बाद हम गवर्नर साहब के पास गए, हर एक स्टेट में हर एक ऐसी अथॉरिटी जहां हम जा सकते थे, चाहे गनी साहब थे, एडवाइज़र थे, उनके पास गए, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हाँ हम इसे ठीक कर देंगे, लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं। और उन्होंने अभी एक नया ऑर्डर निकाला है कि 22nd of November के बाद इन सबको रिलीज़ कर दिया जाए, मीन्स आफ्टर दैट प्रिंसिपल्स अपनी मर्जी से किसी को भी हायर कर सकते हैं। नेपोटिज्म जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होना चाहिए, ये उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और हमें हैरेस कर रहे हैं विदाउट मेरिट। जब हम डीसी कमिश्नर से मिलने गए तो उन्होंने कहा हम आपको निकाल के आपकी जगह पे जो लोअर मेरिट वाले यहाँ काम करने वाले बहुत हैं वो आ जाएंगे काम करने के लिए। तो ये सब इश्यू है और उसी वजह से आज हम सड़कों पे हैं और ये शो चल रहा है। डिमांड्स क्या? हमारी डिमांड है कि इस ऑर्डर को रिवोक किया जाए, जो मॉडिफाइड और जो इनिशियल ऑर्डर था
वो अप्लाई किया जाए और यूटी के हिसाब से, बिकॉज अब हम एक यूटी हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमें जो भी इक्वल पे और इक्वल वर्क, क्योंकि यूटीज़ में जैसे होता है जितनी वेज यूटीज़ में होती है हमें भी उतनी चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू। ये बोल रहे हैं कि हमने जो आप पीस प्रोटेस्ट करना था, हम लास्ट 3 मंथ से पीस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद क्या होता है पुलिस हमें जो है लाठीचार्ज की धमकी दे रही है, और जो है एक जो लेडी है यहाँ पे वो अनकंस्ट्रक्टेड जो है वो फिर जमीन पे वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ये लोग बोलते हैं कि हम पीसफुल काम से पीसफुल करें, 3 महीने से हमारी ये हालत है कि हमारे अभी भी यहाँ अगर आप नहीं कहेंगे हम फोर्स यूज करेंगे, फोर्स बुलाएंगे, ये बोलेंगे यहाँ पे, मतलब कि ये चाहते हैं हम पीसफुल करेंगे। जैसे कश्मीर यूथ है जो कश्मीर में हो रहा है, और ये हमें बाई फोर्स बोल रहे हैं कि अगर आप नहीं पीछे हटोगे हम आपको बाई फोर्स पीछे करेंगे, और ये हमें इग्नाइट कर रहे हैं कि हम वो एक्टिविटी इन्वॉल्व हूँ। स्टेशन मुद्दा वो एक तरीके से अधिकार है, तो आपको क्या लगता है जिस तरह से पुलिस ने भी प्रोटेस्ट किया था जब इन पर कोई एक्शन हुआ था दिल्ली में? सर ये जो है ना यहाँ पे सब कुछ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है इस टाइम यूटी में, हर कोई है जो अपनी मर्जी कर रहा है, इसका डिक्टेटरशिप, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर कोई जो है अपनी मर्जी कर रही है, अपनी मर्जी से ऑर्डर निकाल रहे हैं, अपनी मर्जी से सस्पेंड कर रहे हैं। क्या रोड पे है? हमारे अकॉर्डिंग सब फंडामेंटल राइट। सर एक बात है, ठीक है, आप रोड पर हैं कब तक यहाँ रोड बंद रखेंगे? क्या डिमांड क्या है? जब तक हमारी ऑर्डर जो है ये रिवोक नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। कमीशन सेटिंग यहाँ पे हमारी डिमांड मानना पड़ेगा।